गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन 26, 27, 28 और 29 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए के बी परपेंडिकुलर है तो चार ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज़ एक्यूट एंगल, तो कहता है कि ए माइनस बी का अगर डिफरेंस करें तो चार ऑप्शन दिए क्या हो सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और ए बी और सी की वैल्यू में दे रखी है, तो पूछ रहा है ए और बी के बीच में एंगल क्या है, बहुत ही आसान। और 29 क्वेश्चन में कहते हैं बी और ए दिया है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी, इसको छोड़ते हैं, पहले हम आज तीन ही करते हैं 26, 27 और 28। तो देखिए 26, 27 और 28 को कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, उसने पहले ही बोल दिया है कि ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है। देखिए जब ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी ए बी किसके इक्वल हो गया, जो ए बी है कॉस 90 जो है वो कॉस 90 क्या हो गया, कॉस 90 की वैल्यू साइन 0 की उल्टा होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा 0 हो गया, यानी ए डॉट बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसमें एक ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है ए और ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के, और चौथा ऑप्शन है ए ए प्लस बी में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये चार ऑप्शन दिए। देखिए ए डॉट बी 0 आ गया तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ए डॉट बी ए बी के इक्वल कर रहा है। दूसरा ए क्रॉस बी निकालने से पहले चाहे ये कर लें हम, ये चलिए ठीक है ए क्रॉस बी ही कर लें। देखिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, और ए और बी के बीच का एंगल जो साइन एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जब ये 1 हो जाएगा तो ए बी आ जाएगा। तो क्या ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे ये ऑप्शन बचा हुआ है, देखिए ए को अगर हम ब्रैकेट से हटा दें यानी ए प्लस बी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ए बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा आप जानते हैं कॉस 90 है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आ गया, यानी कि ये वैल्यू हमारी सही आ रही है। देखिए ए, ये सेकंड ऑप्शन हमारा ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, वही हमारे सवाल आंसर में आ गया, तो ये चीज़ सही हो गई। अब आते हैं हम लोग बच्चों 27 में, 27 में कहता है कि अगर हमको एंगल पता करना है, नहीं, ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है, तो देखिए अगर ए एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, एक्यूट एंगल है तो 90 से कम होगा, तो कहता है ए माइनस बी किसके बराबर होगा, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है द मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर ए माइनस बी आप करें, देखिए a माइनस बी करने का तरीका क्या है, ये जैसे है तो b b को हम चेंज कर लें, a माइनस बी कर लें, तो a माइनस बी हो जाएगा, और इसको ऐड करें, अगर ऐड करें, देखिए पैरेललोग्राम बनाना है, अगर इसको b का हम डायरेक्शन चेंज कर लें माइनस बी, तो अगर पैरेललोग्राम आप बनाएं इससे, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह बनेगा मोटा मोटा, और ये जो आप देख रहे हैं डायगनल, ये आपको देगा a माइनस बी, ठीक है बच्चों, ये डायगनल, क्योंकि
ये इसको एक वेक्टर माने, इसको ए दूसरा वेक्टर माने, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है लेंथ, ये बनेगी ए माइनस बी की। तो अब देखिए इस पैरेललोग्राम में ए माइनस बी क्या दिख रहा है आपको, मेजर एक्सेस, मेजर डायगनल दिख रहा है कि माइनर, तो आंसर माइनर डायगनल है। तो ये आंसर जो है टू वाला सही है, इसमें दो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेकेंड आंसर सही है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पलट करके a प्लस बी कर देते, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम आंसर हमको देना होता कि भाई a प्लस बी क्या होगा, तो अगर a हमने ऐसे बनाया था और b हमने ऐसे बनाया था तो a प्लस बी तो ऐसे आता, और जब ये ऐसे आता तो ये पैरेललोग्राम अगर हम बनाते इसको तो कुछ इस तरह बनता, यानी कि ये हमको क्या देता, मेजर एक्सेस, मेजर डायगनल देता। तो a प्लस बी मेजर डायगनल देगा और a माइनस बी हमेशा हमको माइनर डायगनल देगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमको क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हमारे गिवन में दिया है और a की वैल्यू दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है 5 और c की वैल्यू दे रखी है हमको अंडर रूट 61। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। तो देखें सबसे पहले इसमें ए और बी के बीच का एंगल पता करना है, तो हम इसी को जो है स्क्वायर कर दें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ब्रेक किया है इसको वेक्टर मेथड से। अब ए की वैल्यू क्या है 4, 16 हो गया, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस टू ए बी 4 5 20 कॉस थीटा, सी की अंडर रूट 61 तो रूट खत्म हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू 41 बनती हैं, 41 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 40, 40 cos थीटा इज इक्वल टू 41 तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये 61 से, तो बनेगा 40। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, 40 में से 40 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 कब होता है, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू नहीं, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ 20 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 40 जब इधर से माइनस होगा 41 तो यहाँ से 20 बचेगा, तो 20/40 यानी कि 1/2, और 1/2 किस में होता है कॉस 60 डिग्री में, cos 60 की वैल्यू sin 30 के इक्वल होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 60 डिग्री, तो ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया, गुड बाय।